कहानियां आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन आज आपने कहानी को देखा। वाकई जिसे कहते हैं स्पीचलेस, शब्द सचमुच खत्म हो चुके हैं। बहुत बार स्टेज से बोला है, आज लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, जो कुछ है वो सिर्फ महसूस कर रही है। एमए हिंदी के विद्यार्थी जानते होंगे, हमारे यहाँ एक शब्द होता है साधारणीकरण। इसका मतलब लेखक जो कुछ लिख रहा है वो अगर अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से आपको रुला देता है, आपको हंसा देता है, आपको अपने आप से जोड़ देता है, तो उसकी कृति सफल होती है। आज कुछ शब्दों ने जामा पहनकर साकार रूप धारण करके आपके सामने इतनी खूबसूरत प्रस्तुति दी है कि बस उसको महसूस किया जा सकता है और बहुत गहराई तक महसूस किया जा सकता है। और मैं, मुझे लग रहा है कि हम तो कितने खुशकिस्मत हैं कि जिंदगी के एक पड़ाव पर आकर के इतनी खूबसूरत प्रस्तुति को हमने जिया है। सिर्फ देखा नहीं है, जिया है। बस जब रचनाकार अपनी किसी कृति को आपके सामने लेकर के आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। वो जानबूझ करके आपको नहीं बताता है कि मेरा फला उद्देश्य है, मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन वो लिख कर, कहकर और इस तरह से प्रस्तुति देकर के अपनी बात को आपके तक पहुंचा देता है। आप इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सोचिए कि उद्देश्य क्या था। लड़कियों को सशक्त बनाना था, एक बाप की उसके मोहब्बत को दिखाना था, एक लड़की के मन में जो आश्वासन है कि मेरे पिता मुझे सहारा दे देंगे, क्या ये दिखाना था, या समाज में क्या कुछ हो रहा है क्या वो दिखाना था। लेकिन अगर वो बेहतर तरीके से नहीं रखा जाता तो शायद हम इसमें से किसी भी बिंदु का स्पर्श नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा मैं कुछ कहूंगी तो शायद वो मजा किरकिरा हो जाएगा जिसको हमने जिया है। तो एक बार पुनः बहुत सारी बधाई। लेकिन उसके बीच बीच में जब ऐसा कुछ सुनने, देखने, भोगने का अवसर मिलता है तो लगता है कि सचमुच जिंदगी साफ हो गई। अगर आज भी कोई कहे मर जाओ तो शायद मरने में कोई तकलीफ नहीं। थैंक यू।